नया चैनल बनाया, अगर आप वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, 5-6 व्यूज आते हैं या 2-4 व्यूज आते हैं, तो किस तरीके से अपने व्यूज को बढ़ा सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ा सकते हैं। मतलब आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें कंप्लीट करके बताने वाला हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके जाएंगे तो आपको नए चैनल वालों को ये चीज पता नहीं चलेगी हम अपने चैनल पर व्यूज किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और जब व्यूज इंक्रीज होता है तो सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होते हैं और आपका चैनल भी ग्रो होने लगता है। मतलब कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, मतलब कि आप किस तरीके से अपने चैनल पे व्यूज बढ़ा सकते हैं नए चैनल पे। ठीक है, नए चैनल पे आपको पूरी जानकारी A to Z सेटिंग आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको अपने नए चैनल पे व्यूज बढ़ाने होंगे और किस तरीके से आप काम करेंगे जिससे कि आपके व्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से लेकर मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। मेरे तो सबसे पहले क्या होता है, आप जब नया चैनल क्रिएट कर लेते हैं सारी सेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, आपको सारी सेटिंग कंप्लीट कर लेनी है। आपको मैं इसके ऊपर आपको कंप्लीट सेटिंग बता रखी है कि इस तरीके से आप अपने पूरे चैनल की सेटिंग इनेबल कर ले, ठीक है, मतलब आपकी पूरे चैनल की सेटिंग इनेबल है तब मैं आपको बताऊंगा व्यूज किस तरीके से आप इंक्रीज कर पाएंगे और किस तरीके से आप बढ़ा पाएंगे। मेरे तो सबसे पहले क्या होता है, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको थंबनेल लगाना भी आता है, वीडियो बनानी भी आती है, टाइटल लगाना भी आता है, डिस्क्रिप्शन लगाना भी आता है, क्योंकि आपने वीडियो देख देख कर ये चीज सीख ली, ये चीज आपके अंदर ठीक है। मैंने मान लिया आप इसी तरीके से काम कर रहे हैं और वीडियो को क्या करते हैं आप पब्लिक कर देते हैं, और जब वीडियो को पब्लिक कर देते हैं तो आपकी वीडियो पर कोई भी व्यूज नहीं इंक्रीज होता है, मतलब कि बढ़ता ही नहीं है यार व्यूज, आप बहुत मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आप व्यूज, अगर 5-6 व्यूज आते हैं, 10-15 व्यूज बढ़ाने हैं या फिर मान के चलो उससे भी ओवर, जब 10-15 व्यूज आने लगेंगे तो व्यूज जो होता है ना, जब थोड़ा थोड़ा व्यूज आने लगता है तो इस तरीके से उठने लगता है ग्राफ, आपकी वीडियो का उठने लगेगा। जब आपकी वीडियो पर 5-6 व्यूज आएंगे और वो डाउन होने लगा, ठीक है, तो आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। जैसे हमारी वीडियो पर आज 5 व्यूज आएंगे, कल को 6 आ गए, कल को 7 आ गए, 8 आ गए, 9 आ गए, मतलब इसी तरीके से आपकी वीडियो वायरल होने लगती है, मतलब आपके चैनल का भी ग्राफ उठ रहा है और आपकी वीडियो का भी ग्राफ उठ रहा है। तो किस तरीके से करना है आपको काम, आज की वीडियो आपको सारी बातें कंप्लीट करके बताने वाला हूं। आपको काम करना क्या होगा, आपको टाइम चूज करना है, अपना अपनी वीडियो का टाइम चूज करना है, मतलब कि आपको किस टाइम वीडियो पब्लिक करनी है, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम किस तरीके से चूज कर पाएंगे और किस टाइम आप अपनी वीडियो को पब्लिक करेंगे। अपनी वीडियो कंप्लीट तरीके से बना ले, चाहे आपकी वीडियो अगर आज अपलोड नहीं हुई है मान के चलो, तो आप वीडियो को कल अपलोड कर देना, मतलब टाइम पे वीडियो को अपलोड करना। अगर मैं तो सबसे सारे काम आते हैं, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, वीडियो सब कुछ बनाना आता है, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी तरीके से आप अपनी वीडियो पर व्यूज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको उससे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने चैनल के टाइम पे वीडियो को पब्लिक करना है, मतलब कि आपके खुद के चैनल पे आपको अपना चैनल, आपका खुद चैनल आपको ये बताता है कि आपको इस टाइम वीडियो को पब्लिक करना है। किस तरीके से अपने चैनल का टाइमिंग जान सकते हैं और टाइमिंग पता कर सकते हैं, मैंने इस चीज की भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से इस वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कंप्लीट तरीके से आपको बताया किस तरीके से आपको टाइम पे वीडियो पब्लिक करनी है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, मेरे दोस्त अगर आप नहीं समझान पाएंगे तो उस वीडियो को देख लें, और वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता हो जाएगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, मतलब किस तरीके से वीडियो को पब्लिक करना और किस टाइम पे आपको चैनल के टाइम पे वीडियो को पब्लिक करना। आपको अपने YT स्टूडियो ओपन कर लेना, और YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको एनालिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, सबसे ऊपर में आपको कंटेंट ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है, ऑडियंस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको वहां पे टाइमिंग मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट में ही आपको जो लाइन मिलेगी आपको उसी पे क्लिक करके देखना, आपको वहां पर 4 तरीके का टाइमिंग मिलेंगी, आप वो कंप्लीट वीडियो देख लें। और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको यहाँ पे 24 घंटे का और इस तरीके का, मतलब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इस पे सारे टाइमिंग मिलेंगे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें ही आपको ये चीज जानना है, हमारी वीडियो पर व्यूज आ सकते हैं, ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसी टाइम पे आप वीडियो को पब्लिक करेंगे अपने चैनल के, तो आप वीडियो पर 100% व्यूज ज्यादातर बढ़ेंगे, मतलब कि आप अपने इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे लास्ट में डाक है, मतलब कि चौथे, मतलब कि 7-8 बजे के करीब में वीडियो को पब्लिक करेंगे मेरे खुद के चैनल पे, तो आप यही चेक कर सकते हैं आपका ये टाइमिंग जो होगा ना, मतलब जहां पे भी ज्यादा डाक हो रहा होगा, मतलब ज्यादा गाढ़ा हो रहा होगा ये बिंदु, तो वहीं पे आपको उसी टाइम पे वीडियो को पब्लिक करना है। नए चैनल वालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट ट्रिक है, और इस चीज को करके देखें, मैं तो गारंटी से कहता हूं ये चीज जब यूट्यूब अपनी YT स्टूडियो में दे रहा है तो किस चीज के लिए दे रहा है, मतलब कि आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहा है ना, आपको मेहनत करने के लिए दे रहा है ना। जब आप इस तरीके से मेहनत करें तो मेरे दोस्त आपका चैनल 100% ग्रो भी होगा और आपकी वीडियो पर व्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, और इसी तरीके से आपकी वीडियो पर जब व्यूज इंक्रीज होंगे तो आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में आपको ये सारी बातें मैंने कंप्लीट तरीके से बता दी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रेडी मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।